स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थ्री में ये फिगर आपको दिया हुआ है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इक्वल टू BC आल्सो, यानी AD और BC दोनों सेम लाइन AB के परपेंडिकुलर हैं और AD और BC इक्वल भी हैं। वी हैव टू प्रूव दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD AB को बाइसेक्ट करता है, मींस आपको OA और OB इक्वल दिखाना होगा। चलिए प्रूफ पर आते हैं। आप ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, तो देखें आपको इनमें क्या क्या इक्वल मिलते हैं। AD इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन। AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर AB, मींस बोथ आर राइट एंगल्स। Now, angle AOD equal to angle BOC, this angle AOD and BOC vertically opposite angles। तो देखें कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई हो गई। तो किसी भी ट्राइंगल में देख लें, एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड AAS कांग्रुएंस रूल अप्लाई हो रहा है। By AAS congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle BOC, and bisimplicity in the corresponding parts equal हो जाएंगे, तो OA equal to OB। So, hence CD bisects AB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। इन दिस फिगर दिस इज लाइन N एंड दिस इज लाइन M। इट इज गिवन दैट L इज पैरेलल टू M एंड सिमिलरली अदर लाइंस P एंड Q intersects L and M, and also P is parallel to Q, and you have to prove that triangle ABC, this angle, this triangle, is congruent to triangle CDA, CD. In triangle ABC and triangle CDA, match करते हैं दोनों में क्या क्या equal हैं। तो एक तो AC और CA, AC, CA। कॉमन साइड और देखें पहले वाले ट्राइंगल का ये ए वाला एंगल, इसका ए वाला एंगल, उसका CDA का सी वाला एंगल, ठीक। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूरा लिखिएगा। और सिमिलरली दिस एंगल बी सी इज इक्वल टू दैट एंगल एंगल डी ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखें किसी भी ट्राइंगल में दो साइड और दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ए एस ए अप्लाई हो जाएगा। ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी। यहां से आपका प्रूव हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर आते हैं।
देखें क्वेश्चन फाइव क्या है। क्वेश्चन फाइव में इस तरह एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए, और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया है। ये एक लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। लाइन ए मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यहां एल पर कोई पॉइंट बी है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है एंगल की आर्म्स पर, दोनों एंगल की आर्म पर बी पी, और यहां भी 90 डिग्री के एंगल बी की। गिवन लिस्ट करें, गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर एल इज द बाइसेक्टर of एंगल ए, बी पी परपेंडिकुलर ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू। टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है फर्स्ट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, और सेकंड आपको प्रूव करना है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। प्रूफ में आए तो ये दोनों ट्राइंगल हम देख चलते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, अभी में इनके पार्ट्स मैच करते हैं। एक तो ए बी और ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। एंगल देखें कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे। पहले वाले का ये एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी ए क्यू। रीजन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ एंगल पी बी पी ए नाम दे सकते हैं, एंगल बी क्यू ए। इट इज गिवन दैट बी पी परपेंडिकुलर ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू, सो दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, बोथ आर राइट एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस रूल देखें तो दो एंगल और एक साइड हो रही है, और इंक्लूडेड साइड नहीं है इसलिए ए ए एस। कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। सेकंड पार्ट जो प्रूव करना बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, देखें सी पी सी टी से मिल रहा है। एंड बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी आप जानते हैं करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, बी पी इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन आप यहां से प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको जो फिगर दिया है वो फिगर देखें। ये दोनों साइड इक्वल है, लिमिट एज ए बी सी डी
C, D, and this point is A. Given D भी ज्वाइन किया है, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ऑलरेडी इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए, दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड, ऑल्सो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, BAD this angle and EAC this angle. So to prove करना आपको BC equal to D, BC this side equal to D. अब देखते हैं ये sides किस triangle की हैं, कौन से triangles congruent हो सकते हैं. तो BC ABC की एक साइड है और इस तरह से भी ADE की साइड है. इन दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड इक्वल है, ये एक और साइड का पेयर इक्वल है AC और DE, लेकिन एंगल देखें तो एंगल BAC है और दूसरे में एंगल बनेगा DAE, और ये दोनों गिवन में इक्वल नहीं है, सिर्फ इतना इक्वल है हमें चाहिए ये पूरा इक्वल. तो उसके लिए अभी कांग्रेसी स्टार्ट करने से पहले प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लें. वी हैव एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, दोनों इतना एंगल और चाहिए, इसको दोनों साइड में ऐड कर दें. Adding both sides by angle CAD, we get angle BAD plus angle CAD, angle EAC plus angle CAD. अब लेफ्ट साइड में देखें क्या बनता है, BAD plus CAD, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा BAC. एंगल बी ए सी और राइट साइड में ई ए सी दिस एंगल और सी ए डी, ए पूरा ये एंगल बन जाएगा एंगल ई ए डी. नेम इक्वेशन वन. अब आपको कांग्रेसी शुरू करनी है. नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle ADE. अब देखें पार्ट्स मैच करें तो AB equal to AD, this is given. Next AC equal to AE, AC. AC equal to AE, AC AE, and this is also given, and angle BAC, angle EAD shown in equation 1. इक्वेशन वन में हमने इसको प्रूव कर लिया है. तो यहां से कांग्रुएंस रूल यस ए एस अप्लाई होगा. यस ए एस कांग्रुएंस रूल ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लेके चले थे एडी, एंड बाय सिंपलिसिटी
सिर्फ सिटी से जो आपको प्रूव करना बीसी और डी, बीसी और डी करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, हैंस बाकी कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो